राजघाट स्थित राप्ती नदी तट पर दाह संस्कार में शामिल होने आए युवक की स्नान के दौरान नदी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने SDRF और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव की तलाश में जुट गई है। समाचार लिखे जाने तक शव बरामद नहीं किया जा सका है। आपको बता दें कि रविवार को पिपराज थाना क्षेत्र के जंगल और रही निवासी राम ललित की 18 वर्षीय पुत्र गोलू अपने गांव के ही एक महिला की मौत होने पर दाह संस्कार में शामिल होने राजघाट स्थित राप्ती नदी तट पर पहुंचा था। इस दौरान वो नहाने के लिए नदी में उतरा और गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक शव बरामद नहीं किया जा सका था। पुलिस टीम SDRF और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव की तलाश में प्रयासरत है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए SDRF टीम प्रभारी उप निरीक्षक मोहम्मद असलम ने कहा, हाल लिखा हाथों से लिख जाओ बांस हमको करीब 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि वैकुंठ धाम में एक व्यक्ति की डूब गया है। वो अपने परिजनों के साथ जो है अंतिम संस्कार में आया था और किसी कारणवश बीच नदी में जाकर के डूब गया। तत्काल हमारी टीम रवाना हुई और रेस्क्यू स्टार्ट कर दिया है। कितनी टीम लगाई गई है रेस्क्यू में? फिलहाल तो हमारी एक टीम लगी हुई है और संभवतः जो देखने में मिल रहा है PAC की भी एक प्लाटून आई हुई है। यहाँ स्थानीय गोताखोरों की मदद भी लिया जा रहा है? स्थानीय गोताखोरों से हमें तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास खुद गोताखोर हैं और अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो हम गोताखोरों को भी उतारने की पूरी तैयारी में हैं।